सोलन में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक और इस ठंड की हानियां हैं वही इस ठंड के लाभ भी हैं, जो सोलन के मूंगफली, काले चने और तिल गच्चक बेचने वाले उठा रहे हैं, क्योंकि जितनी ठंड बढ़ती जा रही है उनकी बिक्री भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। लोग जहां एक और सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े डालते हैं, वहीं शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए तिल और गुड़ से बनी खाद्य सामग्री को बेहद पसंद करते हैं। सोलन में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक ओर ठंड की हानियां हैं वहीं इस ठंड के लाभ भी हैं, जो सोलन के मूंगफली, काले चने और तिल गच्चक बेचने वाले उठा रहे हैं, क्योंकि जितनी ठंड बढ़ती जा रही है उतनी इनकी बिक्री भी बढ़ती जा रही है। मुख्यतः सर्दी का मेवा यानी मूंगफली और गच्चक की मांग बेहद बढ़ चुकी है। लोग जहां एक ओर सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े डालते हैं, वहीं शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए तिल और गुड़ से बनी खाद्य सामग्री को बेहद पसंद करते हैं। सोलन की सबसे पुरानी दुकान, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मूंगफली और चने खाते थे, वहाँ भी ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। इस दुकान में काले चने और मक्की के भुने दाने लेने लोग उत्तरी भारत के कोने कोने से आते हैं। दुकानदार मुकेश ने बताया कि ठंड में लोग ज्यादातर सर्दियों का मेवा खाना पसंद करते हैं। सर्दी जितनी बढ़ती है उतना ही ग्राहक गच्चक, काले चने, तिल के लड्डू और भुग्गा खाने में रुचि दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी खाद्य सामग्री ग्राहकों को सर्दी से गर्मी का एहसास दिलाती है। उन्होंने कहा कि मूंगफली बेहद अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, इसलिए लोग इसे खाकर सेहतमंद रहते हैं। ये सोलन में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जा रही है, आजकल यहाँ का मौसम इतना सर्द हुआ है कि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, उसी के दौलत यहाँ के लोग खाने पीने में, गर्म चीजें खाने में कुछ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारी दुकान पर बहुत सी चीजें हैं जो सर्दी में गर्मी का एहसास देने में एहसास करवाती हैं, जैसे कि मूंगफली एक सर्दी का मेवा माना जाता है। हमारी दुकान में तरह तरह की मूंगफली मिलती हैं जो लोगों को एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स देती हैं। इसके साथ साथ ही जैसे रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली और तरह तरह की गच्चकें हैं, तिल वाली गच्चक है, तिल का भुग्गा है, शुद्ध देसी घी की गच्चकें हैं और तिल भुग्गा, ये सब हमारी दुकान से मिल सक रहा है, जो यहाँ के स्थानीय लोग और बाहर के लोग आकर इन चीज़ों का लुत्फ उठाते हैं। वहीं ग्राहकों ने इस मौके पर कहा कि सर्दियों में एक ही चीज है जो गरीब अमीर सभी खा सकते हैं, वह है मूंगफली। मूंगफली जहाँ सबकी पहुँच में होती है वहीं ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी है। उन्होंने कहा कि वे पिछले काफी वर्षों से इस दुकान में मूंगफली खरीदने आते हैं, क्योंकि यहाँ मूंगफली गरम गरम और ताजी मिलती है। वहीं उन्होंने कहा कि आजकल युवा फास्ट फूड की तरफ भाग रहा है, लेकिन उसका शरीर को लाभ नहीं होता। मूंगफली और तिल के लड्डू खाने से जहां शरीर गर्म रहता है वहीं प्रोटीन और मिनरल मिलते हैं, ये सभी हमें ठंड से लड़ने की ताकत देते हैं, इसलिए वे इस दुकान से हमेशा खरीदारी करते हैं। और ये जो मूंगफली की दुकान है ये बहुत पुरानी है, आज मैं जब इनके बुजुर्ग लोग थे तब से यहाँ से मूंगफली लेता रहा हूँ, लगभग 35-40 साल से मूंगफली यहाँ से हम ले रहे हैं। एक्चुअली आजकल सर्दी का मौसम हो गया और जाड़ा बहुत हो गया है, पाला भी बहुत पड़ रहा है, तो ऐसे में सर्दी से बचने के लिए आदमी क्या ले सकता है, सबसे सरल है मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन बहुत है और इसके साथ आप दूसरी चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, परंतु जो सबसे सरल और आम आदमी की पहुंच में वो मूंगफली है। और मूंगफली की ये पुरानी दुकान होने के साथ साथ यहाँ पर ताज़ी और स्वाद मूंगफली मिलती है, ये ताज़ी भून के देते हैं और इसलिए हम यहाँ पे इसको प्रेफर करते हैं। शहर में मूंगफली की दुकानें तो बहुत हैं, परंतु इस दुकान पे हमारे को क्योंकि फ्रेश मिलती है उसी टाइम तैयार करके देते हैं, गर्मा गर्म देते हैं, तो ये देते हैं मूंगफली देते हैं और मक्का देते हैं साथ में भून करके, तो आजकल सर्दियों में हर आदमी की पहुँच में ये मक्का और मूंगफली है, तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए एज टुडे के साथ। नमस्कार।